हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्कप्लेस में होने वाले जो भी एक्सीडेंट है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कप्लेस में अगर जो भी एक्सीडेंट होते हैं तो वो किस कारणों की वजह से होते हैं, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्कप्लेस में होने वाले जो भी एक्सीडेंट है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो एक्सीडेंट जो है वो अनप्लान ऑकरेंस है, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो प्लानिंग करके नहीं होते हैं बल्कि वो हो जाते हैं। और एक्सीडेंट का जो रिजल्ट है वो इंजुरीज में हो सकता है, इलनेस में हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है या फिर प्रोडक्शन भी लॉस हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट को कम्प्लीटली जो है वो एलिमिनेट कर सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी प्लानिंग करके, कुछ प्रिपरेशंस करके या फिर कुछ ऐसी एक्शंस लेकर जो है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वो ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हमें हजार्ड्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे सराउंडिंग में क्या काम चालू है, कौन से वर्कप्लेस में कौन सा हजार्ड्स है और उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जैसे ही हमें ये पता चलता है तो उस हजार्ड्स को जो है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में जो है हमें सोचना है और उसको जो है इंप्लीमेंट में लाना है। फिर उसके बाद है कि अगर आप कोई अनसेफ एरिया देखते हो या फिर कोई अनसेफ प्रैक्टिसेस अगर देखते हो तो उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो आपको आपके सुपरवाइजर को करनी है। फिर उसके बाद है कि जो भी काम आप कर रहे हो लेकिन आपको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है कि उस काम करते वक्त जो है कौन से हजार्ड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आप जो है जो जे से होता है या फिर जेचे होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि उस पर्टिकुलर काम में जो है कौन से हजार्ड्स वहां पर इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद का सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको सेफ वर्क एरिया जो है वो क्रिएट करना है। अब वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए जो भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो तो वहां पर आपको अच्छी हाउसकीपिंग जो है वो मेंटेन करना है। हाउसकीपिंग के साथ साथ जो है वहां पर एक्सेस और इग्रेस जो रूट है वो भी आपको प्रोवाइड कराना है, और वहां पर जो है कोई भी डेब्रिज नहीं होना चाहिए वो आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि किसी भी व्हीकल को चलाने से पहले और चलाने के बाद जो है उसका आपको प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना है, और जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाते हो तो उसको सेफली चलाना है। फिर उसके बाद है कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको आपको कंटिन्यूअसली विकसित करते रहना है। फिर उसके बाद है कि जो भी काम आप कर रहे हो तो उस काम के बीच में जो है फ्रीक्वेंटली ब्रेक आपको लेते रहना है, और उसके अराउंड में जो है आपको मूव होते रहना है, क्योंकि कोई भी काम अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर हो सकता है, इसलिए आपको काम के बीच में जो है ब्रेक लेते रहना है। फिर उसके बाद का थर्ड पॉइंट है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जब भी आप जो भी काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो पीपी है यह आपको इंजुरी की जो रिस्क है उसको कम करने में मदद करती है। एग्जाम्पल है जैसे कि जहां पर हाई नॉइज वाला एरिया है तो वहां पर आप एयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्क एट हाइट पे अगर आपको काम करना है तो आप हार्ड हैट का इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ्टी गॉगल का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर ज्यादा वहां पर रोशनी है तो, ग्लोव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको मटेरियल शिफ्ट करना हो, अगर एटमोसफियर सही नहीं है वहां पर ज्यादा डस्ट अगर जनरेट हो रही है तो वहां पर आप एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नॉर्मली तौर पर किसी भी चीज को टकराव होने से बचने के लिए आप जो है सेफ्टी शूज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है वो है रेगुलर कम्युनिकेशन, यानी कि जब भी आपको कोई हजार्ड अगर दिखता है तो उसके बारे में जो है आपको सुपरवाइजर को जो है वो कम्युनिकेट करना है, और जब भी कोई सेफ्टी की अगर प्लानिंग होती है तो उसमें आपको इन्वॉल्व होकर जो भी आपके पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि हर एक जो एम्प्लॉय है उनको जो भी वो जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में कौन से हजार्स इन्वॉल्व है उसके बारे में जो है सेफ्टी ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, ताकि उन सभी एम्प्लॉय को जो है जो भी वो जॉब करने वाले है उसके बारे में मालूमात हो कि जो भी वो जॉब कर रहे हैं उसमें क्या हजार्ड इन्वॉल्व है और उसके लिए वो क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, क्योंकि एक्सीडेंट तभी होता है जब आप पर्टिकुलर कोई भी जॉब कर रहे हो और उस जॉब को करने के लिए अगर आपको 5 स्टेप जो है वो कंप्लीट करनी है, लेकिन आप सोचते हो कि ये ज्यादा समय इसमें लगेगा, तो आप जो है शॉर्टकट लेते हो वो काम खत्म करने के लिए। तो ऐसी शॉर्टकट आपको नहीं लेनी है कि जिसकी वजह से आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि प्रॉपर जो साइनेजेस है उसको आपको लगाना है। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि जिस प्लेस में भी जो भी काम चल रहा है तो उस काम करते वक्त कौन सी प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो फॉलो करनी है, तो उसके बारे में जो है सेफ्टी साइनेजेस जो है उस एरिया में लगाने हैं, ताकि जो भी वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको एक रिमाइंडर मिल जाता है कि ये जो है ये प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर है इस काम को करने की। तो इस तरीके से इस सारे फैक्टर्स की मदद से जो है आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि वर्क प्लेस में जब भी आप काम करते हो तो वहां पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।